आसमान और मायरा, आज तुम लोगों के लिए मैंने एक टास्क लाया है। ये ठीक है, देखो मेरे पास दो पेपर हैं और ये कुछ छोटी छोटी टिकलियां हैं। ये कुल 36 टिकलियां हैं। ध्यान से सुनो, क्या करना है तुमने रुहमान, पहले तुम ये वाली शीट लो और इसके ऊपर ये जो 36 टिकलियां हैं उनको तुम्हें रोज में, लाइंस में, यानी कतार में लगाना है। लेकिन इस तरह के हर कतार में बराबर बराबर टिकलियां हैं, जब तक ये पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक तुमको लगाते रहना है। जी हाँ ठीक है, समझ गए? जी हाँ। तुम्हारे दिल के हिसाब से तुम कोई भी नंबर लो और उस तरह से लगाओ, चिपकाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे रख दो। हाँ, कितने दे रहे हो तुम पहले राइन में? आठ टीचर। हाँ ठीक है, लो आठ। इसमें आठ नहीं बने, इसमें आठ नहीं बने, मतलब कि यहाँ पर आठ आठ के तुम्हारे एक दो तीन चार कतारें बन गई और चार जो है तुम्हारा बाकी रह गया, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है आठ को अगर चार से जरूरत करें तो कितना होता है? 32। आठ जो कितना हो गया? 32। हमारे पास कितनी टिकलियां थी? 36। तो 32 में से 36 में से 32 चले गए, कितने रह गए? चार। इसलिए चार क्या है हमारा यहाँ पर बाकी है। ठीक है, बहुत अच्छे तुमने खतारे बनाए। अब तुम मायरा, तुम्हारे लिए भी सेम टास्क है कि तुमको भी यहाँ से टिकलियाँ लेनी है और जो भी तुम्हारा दिल कहे, जितने भी नंबर की तुम बनाना चाहो, यहाँ पर खतारे बनाओ। ये बच गए बीच में, तो तुमने यहाँ पर पांच पांच का नंबर यहाँ पर तुमने लिया। कितने खतारे बने तुम्हारे पांच पांच की? किनो ठीक है, पांच की सात खतारे, यानी 5 × 7 = 35। हमारे 36 थे इसलिए एक यहाँ पर फिर से बच गए। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है ऐसे कितने तरीकों से हम इसको कर सकते हैं? बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। हाँ, तो तुमने मुझे बताओ कि पांच का नंबर क्यों चुना तुमने? क्योंकि तुम्हारा पसंदीदा है। अच्छा, तुमने आठ क्यों चुना? मेरा पसंदीदा। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ अगर हमको ये जो बच रहा है, जैसे कि इसके पास एक बज गया, तुम्हारे पास चार बज गया, अगर हमको इस तरह से नहीं बचाना है तो कितने कितने लगाने पड़ेंगे हमको? छह। अरे वाह, बहुत अच्छे लगा के देखो। बहुत अच्छे, छह छह की यहाँ पर छह कतारें बन गई
और एक भी हमारी जो टिकली है वो बाकी नहीं रही। मायरा और लुकमान, छह के अलावा हम और कौन से नंबर की या कौन से अदद की कतार बनाएं कि एक भी टिकली बाकी ना रहे? बारह की। ठीक है, बनाकर देखो तुम दोनों। ये छह तो पहले से ही हैं, हम क्या करते हैं यहाँ के छह और ऐड करते हैं। कितने हो गए गिनो? छह। बारह हो गए। हाँ ठीक है, लगा दो तुम लोग भी। बहुत अच्छे, बारह बारह की कितनी खदारें बन गई यहाँ पर? तीन खदारें बन गई और एक भी टिकली हमारी बाकी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम छह की खदार बनाए तो छह छह की 36 नहीं बचेगी, बारह या 36 एक भी टिकली नहीं बचेगी। क्या तुमको लगता है कि और भी अदद आ सकते हैं इस तरह के? तीन। बहुत अच्छे, तीन के बनाए तो कितने आएंगे? फिर तो बारह आएंगे। देखो अगर हम इस तरह से देखें, तीन तीन के ही है ना, कितनी खदारे हैं? बारह खदारे। अगर हम इस तरह से देखें तो तीन तीन की क्या आएंगी? बारह। और क्या लगता है और किसकी बना सकते हैं हम? दो की करके देखो, दो की। ये तो ऑलरेडी दो दो हैं, देखो नीचे लगते हैं कि दो और ठीक है। यहाँ पे मैं देखू मायरा, दो दो की खता रही है। गिनो। अठारह कितनी बन गई? अठारह खतारे है ना। तो इसका मतलब ये जो दो है, तीन है, छह है, बारह है, इसके अलावा चार, नौ, ये सब क्या है हमारे 36 के अलग अलग अज्जा है, या फिर हम उसको उसके फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग पा सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, बहुत अच्छे।